फॉल्ट नंबर नेक्स्ट है, लगभग सातवां फॉल्ट ये है एसी के अंदर आने वाला सातवां फॉल्ट। ये फॉल्ट ऐसा है कि कंप्रेसर को जब हम स्टार्ट करें सप्लाई देते हैं तो केवल एक सिंगल आवाज जैसे गुम करता रहता है लेकिन चालू नहीं हो पा रहा है, यानी कि स्टार्ट में ना गैस का सर्कुलेशन, जब स्टार्ट में तो गैस सर्कुलेशन कहां से करेगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला अगर काम करना है ऐसा, अगर दिक्कत है तो सबसे पहला वो काम क्या करेंगे, कैपेसिटर की जांच करेंगे, ठीक ना। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, यही सिस्टम को स्टार्ट कर, जैसे गाड़ी में बैटरी स्टार्ट करवाती है ना, वैसे ही हमारे एयर कंडीशनर में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, किसी में दो कैपेसिटर होता है, किसी में सिंगल कैपेसिटर होता है ना, सिंगल कैपेसिटर होता है इतनी चीजें होंगी और डबल वाला हो, सिंगल होगा तो इतनी होगी और डबल वाला होगा तो उसमें चार होंगी, इस तरीके से, है ना। तो इसको आपको जांच करनी है, कैपेसिटर की जांच करना मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, तो जरूर देख लेना उसको। बट यहाँ पर कैपेसिटर की आप जांच करिए सही है कि नहीं, जैसे मैंने बताया है ना, चार्ज करिए और स्टार्टिंग करके चेक करिए रेजिस्टेंस के द्वारा, तो वहाँ पे आप इसके द्वारा चेक कर पाएंगे कि खराब है कि नहीं। आ जाइए, तो कैपेसिटर की आप जांच करेंगे, कैपेसिटर खराब है तो इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ये स्टार्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर खराब होगा तो सप्लाई बढ़ा के देगा ही नहीं, और जब सप्लाई बढ़ा के देगा नहीं तो सिस्टम हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है कैपेसिटर की, सबसे फर्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम यही है कैपेसिटर। इसके अलावा अगर आवाज करता है तो स्टार्ट वेंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक ना। अगर कैपेसिटर बदल दिया आपने, कैपेसिटर चेक कर लिए और आपके पास कैपेसिटर ला कर देख लिया, डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक कर लिए, तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तब यहाँ पे स्टार्ट बेंडिंग की, और कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दो ही प्रॉब्लम होंगे, तो स्टार्ट बेंडिंग की या तो कैपेसिटर की, अगर ऐसा सिस्टम है तो। और एक बार चेक करिए प्रॉपर फेस और न्यूट्रल मिल रहा है कि नहीं, धारा को भी आप जांच कर लीजिए, वहां पे कंप्रेसर के पास धारा पूरी पूरी जा रही है, 220 वोल्ट उसे मिलना चाहिए, तो 220 वोल्ट उसके पास जा रहा है कि नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर होता है लगा लीजिए उसके दोनों पॉइंटों पे, एक जहाँ फेस हो रहा है और जहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, वो चीजें बस। तो स्टेबिलाईजर अगर होगा तो ऐसी प्रॉब्लम तो आने की नहीं है कि प्रॉपर आपकी धारा जाएगी। 220 वोल्ट नॉर्मली होता है, बाकी ये चलते हैं 240 तक, कुछ अभी नई एसियां जो आ रही है वो 250 तक भी होते हैं ना, इतने तक इनका है, मतलब इतने से लेकर इतना मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होनी है, धारा प्रॉपर मिली जाएगी, कम से 220 वोल्ट प्रॉपर, इसलिए लोग क्या करते हैं स्टेबिलाईजर का प्रयोग करते हैं, शहरों में धारा हमेशा बराबर मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी इस चीज को आप जांच जरूर कर लेंगे। तो दो ही तीन आपके चीजें हैं, पहला तो कैपेसिटर खराब, दूसरा कंप्रेसर की स्टार्ट बेंडिंग खराब, और तीसरा धारा की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करें कितना है।